वंदे मातरम 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 वंदे आज की सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मंच पर आसीन अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सम्माननीय श्री जगदीश भाई जी, उपाध्यक्ष सम्माननीय श्री अरुण भाई, संयोजक सम्माननीय श्री सतीश भाई, सहमंत्री सम्माननीय श्री आलोक जी और कोषाध्यक्ष सम्माननीय श्री संजय जी, मेरे सहयोगी और भारत स्वाभिमान के आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष भाई श्री श्रीधर जी और भाई श्री आनंद जी, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का समय मिल रहा है। मैं सबसे पहले अग्रवाल समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की है और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ये सारे पंखे बंद कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। पंखे सब बंद कर दो, थोड़ी देर गर्मी में हम बैठे हैं, मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठिए। सारे पंखे बंद कर दो। भारत देश के बारे में मुझे आपसे संवाद करने का जो मौका दिया है अग्रवाल समाज ने, इसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा, क्योंकि मेरे दिल में मेरे मन में भारत के बारे में बहुत सारे विचार, बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी योजनाएं पिछले 20 वर्षों से आती रहती हैं। और कल जब मैंने अग्रवाल समाज की तरफ से आयोजित आज के कार्यक्रम की जानकारी ली तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि मेरे मन के विषय पर मुझे बात करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। भारत देश की मेरी जो कल्पना है उसको दो हिस्सों में मैं बांटूंगा, भारत है कैसा वर्तमान में और बनाना कैसा है हमको भारत। इसलिए ये जो विषय है मेरे सपनों का भारत, बजाय इसके हमारे सपनों का भारत, हम सबके सपनों में कुछ न कुछ भारत है। हम कैसा भारत चाहते हैं, किस भारत के लिए हमारे मन में तड़प है, कल्पना है, किस भारत के बारे में हमारे शहीदों के मन में कल्पना थी, तड़प थी, ये सब मैं आज के व्याख्यान में शामिल करूंगा। भारत की आज की वर्तमान स्थिति से मैं शुरू करता हूं। अभी थोड़े दिन पहले हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है और उस रिपोर्ट को बनाने वाले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। हमारे देश में बहुत थोड़े से अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिनका सारी दुनिया में सम्मान होता है। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ऐसे ही अर्थशास्त्री हैं। भारत देश का एक बहुत बड़ा विभाग है योजना आयोग, बहुत लंबे समय तक प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता वहां उपाध्यक्ष रहे हैं। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो तो प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष कोई ऐसा विशेषज्ञ प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता है, और बहुत लंबे समय तक भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में, और बंगाल की जो सरकार चलती है वहां भी बहुत लंबे समय तक आर्थिक सलाहकार रहे हैं। सारी दुनिया के देशों में उन्हें बुलाया जाता है, वो लेक्चर्स देने जाते हैं,
अर्थशास्त्र विषय उनका बड़ा पक्का विषय है। तो ऐसे एक व्यक्ति को सरकार ने कहा कि आप भारत के बारे में थोड़ी जानकारियां इकट्ठी करिए, क्योंकि भारत सरकार कई बार अपने ही द्वारा कुछ ऐसी जानकारियां देती है जो एक दूसरे के विरोधी होती हैं। जैसे एक सरकार ने कहा कि भारत में गरीबों की संख्या 37 करोड़ है, एक सरकार कह देती है गरीबों की संख्या 33 करोड़ है, एक सरकार कह देती है गरीबों की संख्या 30 करोड़ है, एक सरकार ने कहा कि गरीबों की संख्या 39 करोड़ है। अब सही क्या है पता ही नहीं चलता। तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता को कहा गया कि आप ठीक ठीक पता करके बताओ वास्तव में गरीब हैं कितने। तो उन्होंने 4 साल लगाया, अध्ययन किया, अभ्यास किया, बहुत बड़ी टीम उनके साथ खड़ी हुई और उस टीम ने जो रिपोर्ट बनाई वो बहुत तकलीफ देने वाली रिपोर्ट है। वो संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है, देश भर के अखबारों में छप चुकी है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 115 करोड़ लोगों की जनसंख्या में 84 करोड़ लोग गरीब हैं। 84 करोड़, 115 करोड़ की जनसंख्या में 84 करोड़ गरीब हैं। अब तक हम इस गलतफहमी के शिकार थे कि 37 करोड़ गरीब हैं, 39 करोड़ गरीब हैं, 33 करोड़ गरीब हैं, लेकिन प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट कहती है 84 करोड़ लोग गरीब हैं। और कितने गरीब हैं ये भी उस रिपोर्ट में है। उनका कहना है कि 84 करोड़ भारतवासियों को एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए नहीं है, इतनी गरीबी है। और वही रिपोर्ट कहती है कि भारत में 50 करोड़ लोग तो इतने गरीब हैं, 84 करोड़ के पास तो एक दिन में 20 रुपया नहीं है खर्च करने को। उन 84 करोड़ों में से 50 करोड़ इतने गरीब हैं कि उनके पास 10 रुपया नहीं है खर्च करने को, 50 करोड़ भारतवासियों के पास। और उसी में से 25 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनके पास खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है। और 15 करोड़ इतने गरीब हैं इस देश में जिनके पास खर्च करने को 1 रुपया नहीं है। और 10 करोड़ भारतवासियों के पास तो 50 पैसे भी नहीं है खर्च करने को। ये हमारे देश की नंगी वास्तविकता है, कठोर सच्चाई है। जब ये रिपोर्ट आई ना सबके होश उड़ गए, संसद में और संसद के बाहर, और प्रश्न चिन्ह ये लग गया भारत देश की विकास योजनाओं पर कि आजादी के 63 साल में हमने किया क्या, गरीबी 84 करोड़। आजाद जब हम हुए 15 अगस्त 1947 को, उस समय अंग्रेजों ने एक सर्वेक्षण किया था। अंग्रेजी सर्वेक्षण के अनुसार इस देश में 4 करोड़ लोग गरीब थे 1947 15 अगस्त को। और उस सर्वेक्षण के बारे में उस समय कई भारत के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजों ने ये संख्या जानबूझ के कम दिखाई है ताकि सारी दुनिया में अंग्रेजों की बदनामी ना हो कि इतने गरीब भारत में आपने पैदा कर दिए। तो इसलिए अंग्रेज कहा करते थे 4 करोड़ गरीब हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको संशोधित कराया। जब वो प्रधानमंत्री हो गए तो उन्होंने एक कमीशन बनाया और कहा कि गरीबों की सही स्थिति बताओ। तो 1952 में जब पहली पंचवार्षिक योजना बनी इस देश में और लागू हुई, तब नेहरू जी ने कहा कि इस देश में वास्तविक गरीबों की संख्या 16 करोड़ है। मान लिया 16 करोड़ है। अब 16 करोड़ की जनसंख्या 84 करोड़ हो चुकी है। बहुत बड़ी संख्या है। और 5 वर्ष की योजनाएं जो लागू हुई हैं गरीबों के लिए वो अलग हैं। ये जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि 1952 में हमने गरीबों को मदद करने के लिए एक योजना बनाई थी जिसका नाम है प्रथम पंचवार्षिक योजना, और उसका मूल उद्देश्य था गरीबी दूर करना, मुख्य उद्देश्य था। और नेहरू जी ये कहा करते थे संसद में कि एक पंचवार्षिक योजना लागू हो गई सारे गरीबों की गरीबी मिट जाएगी, लेकिन वो योजना पूरी हो गई गरीबी नहीं मिटी,
फिर दूसरी योजना आई वो पूरी हो गई तो भी गरीबी नहीं मिटी, तीसरी योजना आई फिर भी गरीबी नहीं मिटी, ऐसी 11 योजनाएं लागू हो चुकी है। और हर पंचवार्षिक योजना में गरीबी मिटाने के लिए 10,00,000,00,000 रुपए खर्च होता है, आपके टैक्स का, मेरे टैक्स का, हर पंचवार्षिक योजना। आप जो सरकार को टैक्स देते हैं, मैं जो सरकार को टैक्स देता हूं, उस टैक्स का 10,00,000,00,000 सालाना खर्च होता है, माफ करना 5 साल में खर्च होता है पंचवार्षिक योजना में। तो एक योजना का 10,00,00,000,00,000, तो 110,00,00,000,00,000 रुपए खर्च हो चुका है, और गरीबी है कि बढ़ती ही जा रही है। एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि अगर हमने 11 पंचवार्षिक योजनाएं नहीं बनाई होती थोड़ी देर के लिए, और 110,00,00,000,00,000 रुपए सीधे गरीबों में बांट दिया होता, तो हर गरीब को 1,50,000 रुपए मिल गया होता। ₹110,00,00,000 रुपए सरकार ने खर्च किया योजनाओं पर, लेकिन गरीबी बढ़ती ही गई, कम नहीं हुई। काश ये पैसा सीधे गरीबों को बांट दिया जाता तो अब तक गरीबी मिट चुकी होती। माने ₹110,00,00,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, सामान्य बात नहीं है। ₹110,00,00,000 रुपए को कैलकुलेटर में लिखें तो कैलकुलेटर फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है? कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और 110,00,00,000 लिखने में 16 अंक लगते हैं। कैलकुलेटर में ये रकम आती नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। एक दिन मैंने इस रकम का हिसाब निकाला था कि इससे सोना खरीद लें, 110,00,00,000 से सोना खरीद लें जो सबसे महंगा है, 17,000 रुपए का 10 ग्राम है इस समय, तो 110,00,00,000 से सोना खरीद लें तो भारत देश का पूरा आंध्र प्रदेश, पूरा तमिलनाडु, पूरा केरल और पूरा कर्नाटक और महाराष्ट्र का आधा हिस्सा, इतना बड़ा इलाका इस देश का, इस इलाके के एक एक गांव की सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का पतरा बिछा सकते हैं। और दूसरा कैलकुलेशन बताता हूं कि अगर सोने का पतरा 10 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर कर दे तो भारत के 6,38,365 सभी गांवों की सड़कों पर बिछा सकते हैं। इतनी बड़ी रकम है 110,00,00,000, मामूली रकम नहीं है जो खर्च हुई है। अब एक तरफ 110,00,00,000 का खर्चा भी हो गया और गरीबी भी नहीं मिटी, ये अफसोस की बात है। या तो ये पैसा खर्च ना हुआ होता तो हम दिल पे पत्थर रख लेते कि गरीबी इसलिए है कि हमारे पास पैसे ही नहीं खर्च करने को, लेकिन एक तरफ हमने 110,00,00,000 खर्च भी करा दिया और गरीबी भी नहीं मिटी देश की। और उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात को सोच सोच कर होती है कि ये 110,00,00,000 आपने